गुरुवार को कस्बा गोवर्धन स्थित मुरारी कुंज में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए जनसंपर्क और धन संग्रह अभियान को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की समन्वय बैठक में क्षेत्र का गठन करते हुए जिम्मेदारी दी गई। यहां जल्द ही इस अभियान को लेकर बनाई जा रही टोलियां घर घर पहुंचेंगी। बैठक में पहुंचे प्रांत प्रचारक डॉक्टर हरीश जी ने कहा कि श्री राम मंदिर जन्मभूमि परिसर मंदिर निर्माण की तैयारियां तेज गति से शुरू कर दी गई हैं। जल्द ही बड़े स्तर पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। मंदिर निर्माण को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता 55 लाख परिवारों से आर्थिक सहयोग जुटाने के लिए घर घर पहुंचेंगे। ये अभियान मकर संक्रांति 15 जनवरी से प्रारंभ होगा, जो 28 फरवरी तक चलेगा, जिसको लेकर विभिन्न प्रांत और क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने सभी संगठनों के साथ बैठक कर टोलियों का गठन किया जा रहा है, जिसके तहत आज कस्बा गोवर्धन में आरएसएस की अनुसांगिक संगठन विहिप और भाजपा के पदाधिकारियों के साथ मुरारी कुंज में बैठक बुलाई गई, जिसमें सैकड़ों से अधिक लोग उपस्थित रहे। आज यहाँ पे गोवर्धन में ये आज प्रोग्राम रखा गया है भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा, क्या किस प्रोग्राम? भाजपा कार्यकर्ताओं का नहीं है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक है, विश्व हिंदू परिषद की बैठक है। अयोध्या के अंदर भव्य मंदिर का निर्माण होना है, उसी मंदिर निर्माण के लिए संपूर्ण देश के अंदर जागरण करने के लिए संघ विचार परिवार ने तय किया है, विश्व हिंदू परिषद ने तय किया है कि हम लोग 11 करोड़ परिवारों तक, 4 लाख से भी अधिक गाँव तक जाकर के मंदिर के लिए समर्पण निधि करने के लिए, निधि को समर्पण करने के लिए शंभू हिंदू समाज में जागृत करके उस दिशा के काम में लगाएंगे। भारत माता की जय।